welcome to the next part here we will discuss about the land greenland covers an area about 21.5 lakh square kilometer greenland jo hai, it is covering an area approx 21.5 lakh square kilometer and the island looks white as about 80 percent of land is permanently under snow and ice जो आइलैंड है इट लुक्स व्हाइट ईयर ऑल्सो इट सीम्स वाइट बिकॉज एट्टी परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ ग्रीन लैंड इज कवर्ड विथ स्नो और आइस दैट इज दैट टूर थ्रू आउट द ईयर द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस शीट इज अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड मीटर जो थिकनेस है आइस शीट की मतलब कितना मोटा बर्फ जो स्नो है वो जमा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन हंड्रेड मीटर एंड द लोअर लेय ऑफ़ दिस आइस शीट मे हैव एग्जिस्टेड सिंस द लास्ट आइस एज एंड यूज पीस ऑफ आइज ऑफन ब्रेक अवे फ्रॉम द आइस शीट्स एंड स्लाइड्स डाउन इन टू सी समटाइम्स वट है आइस शीट्स हैं वो मेल्ट होने की वजह से ब्रेक होने की वजह से टूटने की वजह से पिघल पिघल के बह के समुद्रों में सीज में मिल जाती है एंड दीज आर कॉल्ड आइस बर्गस और इन आइस शीट्स को जो ब्रोकन आइस शीट्स होती हैं जो स्नो में जाके गिर जाती हैं मिल जाती हैं एंड दीज आइस शीट्स आर नोन एज आइस बर्ग्स दीज ब्लॉक्स ऑफ आइस लुक्स लाइक ही माउंटेन ये जो ब्लॉक्स ऑफ आइस हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे बड़े बड़े फ्रोजन माउंटेन जमे हुए बर्फ के जमे हुए माउंटेन हैं आन देट आर फ्लोटिंग इन द सी और जो समुद्रों में फ्लोट कर रहे हैं तैर रहे हैं दीज आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक थिक फॉग कई बार विजिबल नहीं होते बिकॉज ऑफ वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से ये माउंटेन फ्लोटिंग माउंटेन हमें विजिबल नहीं होते आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स दैट सेल थ्रू आउट दिस रीजन अब उन शिप्स के लिए ये आइसबर्ग्स ये जो माउंटेन है फ्रोजन माउंटेन ये बहुत डेंजरस होते हैं जो शिप्स उस टाइम पे Uh, उन रीजन्स में फ्लोट कर रही होती हैं या ट्रैवल कर रही होती हैं उनके लिए बहुत डेंजरस होते हैं क्लाइमेट ग्रीनलैंड हैज़ एन आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट द विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर्स जो होती हैं लॉन्ग होती हैं और कोल्ड होती हैं एंड द सन डज नॉट राइज फॉर सेवरल वीक्स सन जो है वो कई वीक्स तक निकलता ही नहीं है वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती हैं द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स स्नोज हैविली जो वहाँ का टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है और स्नोज हैवीली मीन्स बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगता है एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो एयर वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी विंड्स ब्लो होती हैं एंड समर इज़ शॉर्ट एंड कूल समर्स आर ऑल्सो शॉर्ट एज वेल एज कूल समर नॉर्मली हमें पता होता है कि गर्मियाँ जो हैं वो गर्म होती हैं बट द समर्स आर कूल देयर वहाँ पे ठंडी होती हैं द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी जो वेदर कंडीशन होती है समर में वो ब्राइट और सनी होती है स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज में होती है एंड इवन दो देर इज़ कॉन्टीन्यूस सन लाइट फॉर सेवरल वीक्स और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कॉन्टीन्यूस सनलाइट कई वीक्स तक सनलाइट पूरा वीक तक सन लाइट सन लाइट दिखती रहती है वहाँ पर इट इज़ स्टिल वेरी कोल्ड और उसके बावजूद भी थ्रू आउट द वीक पूरा कई वीक्स तक सन लाइट होने के बावजूद भी वो बहुत कोल्ड होता है